मध्य प्रदेश के कटनी जिले में गोल्ड लोन फाइनेंस करने वाली कंपनी में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की है। शनिवार को यहां से 5 बदमाश कट्टा अड़ाकर 15 केजी सोने के आभूषण लूट ले गए। आभूषणों की कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रंगनाथ थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात हुई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एडिशनल SP मनोज केडिया सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल आरोपियों के संबंध में पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। पुलिस ने बैंक और बैंक के बाहर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। बदमाश बाइक से आए थे। प्राथमिक सूचना के मुताबिक बरगवा स्थित मड़ापुरम गोल्ड लोन कंपनी के ऑफिस में शनिवार सुबह 5 बदमाश कट्टे लेकर घुसे। उन्होंने कर्मचारियों को धमकाया। बदमाश करीब 10:25 पर कार्यालय में घुसे। वे करीब 20 मिनट यानी 10:45 तक रहे। वे यहां से करीब 15 किलो सोने के आभूषण लूट ले गए। पांचों बदमाश बाइक से आए थे। जाते समय वे यहां के कर्मचारी राहुल कोस्टी की बाइक लेकर भाग गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने पूरे जिले में नाकेबंदी कर दी है। हाईवे सहित अन्य नगरीय क्षेत्रों में वाहनों की जांच की जा रही है। यह कंपनी लोगों के सोने के जेवरात गिरवी रखकर लोन देती है। सुबह जब गोल्ड लोन कंपनी के कर्मचारी ऑफिस में सफाई कर रहे थे, तभी 5 बदमाश पहुंचे। बदमाश कट्टा लेकर कार्यालय में घुसे। यहां उन्होंने कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों पर कट्टा अड़ा दिया। डरा धमका कर वहां रखे डिब्बे और तिजोरी में से सोने के जेवरात लेकर भाग गए। हालांकि पुलिस ने साफ नहीं किया है कि लुटेरे कितना सोना ले गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस कार्यालय के पास में व्यापार करने वालों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। संदिग्ध आरोपियों की पहचान के लिए अफसर कुछ लोगों को पुलिस कंट्रोल रूम ले गए हैं। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शामे गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें दीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।